हज पर ले जाने के नाम पर 50 लाख से ज्यादा रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। चंदनगर पुलिस ने जहूर हाशमी निवासी मोती कॉलोनी छबड़ा राजस्थान की शिकायत पर अब्दुल मलिक निवासी चंदनगर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि अब्दुल जहूर सहित 38 लोगों से हज पर ले जाने के नाम पर 2019 में 42,90,000 रुपए और उमराह के नाम पर 34,20,000 रुपए लिए थे। आरोपी ने ना तो रुपए वापस किए और न ही हज पर लेकर गया और उल्टा फरार हो गया है। चंदन नगर में पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश की जा रही है। छबड़ा छबड़ा जिला बारा राजस्थान के निवासी हैं जहूर हाशमी। इन्होंने एक रिपोर्ट की है जिसके अनुसार चंदन नगर क्षेत्र में एक ऑफिस है अल मलिक करके, जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को हज एवं जुमरा उमराह के लिए ले जाता है। तो उस आधार पर इनके द्वारा पहचान होने पर इनने इकट्ठी बुकिंग कराई थी हज की, जिसमें उन्होंने करीब 50 लाख रुपये इनको दिए थे, जिसमें आरोपी ने पैसे रख लिए और जो चेक दिए वो चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उमराह के लिए उन्होंने बुकिंग की, तो उमराह में भी ये बुकिंग के दौरान सभी जायरीन जो थे वो सभी बॉम्बे पहुंच गए थे, लेकिन बॉम्बे में 9 तारीख और 6 तारीख को इनके द्वारा कोई टिकट और वीसा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ये लोग परेशान होकर वापस आ गए। जहूर की रिपोर्ट पर कंपनी के अल मलिक कंपनी के मालिक अब्दुल मलिक पर FIR दर्ज की गई है, प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना में लिया गया है। ऐसा अन्य लोग भी बताए जो दूसरे जिलों के हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की शिकायतें अन्य जिलों में की हैं। इनके साथ लगभग 50 से 80 लाख तक की धोखाधड़ी उसने की है। बाकी अभी और इंक्वायरी की जा रही है, जिसमें जानकारी मिलने पर राशि बढ़ सकती है धोखाधड़ी की।